दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म के बारे में और उसके भी अंदर नेगेटिव टैपेट सेटिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस, डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म और उसके अंदर भी नेगेटिव सेटिंग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि टैपेट सेटिंग क्या होती है, और उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल सेटिंग क्या होती है। तो गाइस, ये जो हमारी सेटिंग मोशन होती है, ये एक प्राइमरी मोशन होती है और वीविंग के अंदर ये सबसे पहली प्राइमरी मोशन होती है। और सेटिंग मोशन के अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी वर्क शीट की दो लेयर बनाते हैं, या तो मैनुअली बनाते हैं या मैकेनिकली बनाते हैं। वर्क को दो लेयर में डिवाइड होने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम सेटिंग मोशन कहते हैं। और गाइस, ये जो लेयर्स बनते हैं वो हीट शाफ्ट के थ्रू बनते हैं। तो हीट शाफ्ट क्या करते हैं, कुछ हीट शाफ्ट अप हो जाते हैं और कुछ हीट शाफ्ट डाउन हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके रीढ़ के आगे एक वी शेप का पैसेज बन जाता है, तो उस पैसेज के अंदर ही आप अपने वेफ्ट का इंसर्शन करते हैं। तो गाइस, हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द वर्क शीट इनटू टू लेयर्स बाय द मैनुअल और मैकेनिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सेटिंग मोशन। अब गाइस, ये जो आपकी सेटिंग मोशन होती है, तो ये कई टाइप की होती है, जैसे कि आपकी टैपेट सेटिंग मोशन, दूसरी होती है आपकी डॉबी सेटिंग मोशन और तीसरी होती है आपकी जैकार्ड सेटिंग मोशन। तो गाइस, क्योंकि आज के डिस्कशन का टॉपिक है टैपेट सेटिंग, तो आज टैपेट सेटिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो गाइस, ये जो हमारी टैपेट सेटिंग मोशन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे हील शाफ्ट की लिफ्टिंग होती है, तो वो प्री प्रोग्राम्ड होती है। मतलब जिस टाइप का आपका टैपेट होगा, उसी तरीके से आपके हील शाफ्ट अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। आप अपने हील शाफ्ट की लिफ्टिंग को बिना टैपेट को चेंज किए बदल नहीं सकते हैं। और गाइस, ये जो हमारी टैपेट सेटिंग होती है, ये दो प्रकार की होती है। तो गाइस, एक होती है आपकी नेगेटिव सेटिंग, मतलब नेगेटिव टैपेट सेटिंग, और दूसरी होती है आपकी पॉजिटिव टैपेट सेटिंग। तो गाइस, जो नेगेटिव टैपेट सेटिंग होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपका टैपेट होता है या कैम होता है, वो आपके हीट शाफ्ट को लिफ्ट तो कर देता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ तो ले जाता है, बट उसको ऊपर से नीचे लाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं, तो उस अटैचमेंट को बोलते हैं हम रिवर्सिंग मोशन। और गाइस, जो हमारा पॉजिटिव टैपेट सेटिंग मोशन होता है, उसके अंदर कोई भी रिवर्सिंग मोशन प्रयोग नहीं की जाती है। आपका जो टैपेट होता है, वही हीट शाफ्ट को अप पोजीशन में ले जाता है और आपका टैपेट ही अपने हीट शाफ्ट को फिर से बॉटम पोजीशन में लाता है। तो गाइस, आज के डिस्कशन का टॉपिक है टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव सेटिंग। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म के बारे में, और वो भी नेगेटिव टैपेट सेटिंग। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गाइस, आप इस स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आपको दिखाया हुआ है प्लेन वीविंग के जो टैपेट होते हैं, तो उनको बना के दिखाया हुआ है किस तरीके का अरेंजमेंट है और कैसे वर्क करता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म। तो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। इन दिस नेगेटिव टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म, टू टैपेट्स आर यूज्ड, द टैपेट्स आर माउंटेड ऑन ए काउंटर शाफ्ट। तो गाइस, देखिए यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, ये आपका टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो टैपेट यूज किए गए हैं, एक ये टैपेट है और एक ये वाला टैपेट है, और ये कहाँ पे माउंट किए गए हैं, काउंटर शाफ्ट पे। तो काउंटर शाफ्ट कहाँ है आपकी, ये काउंटर शाफ्ट है, तो आपके दोनों टैपेट काउंटर शाफ्ट पे माउंट किए जाते हैं। द काउंटर शाफ्ट रिसीव रोटेटरी मोशन फ्रॉम द बॉटम शाफ्ट थ्रू स्पर गियर। गाइस, ये जो आपकी काउंटर शाफ्ट होती है, तो इसके साथ में गियर लगा होता है, स्पर गियर होता है, और वो बॉटम शाफ्ट पे माउंट किए हुए गियर से
कनेक्ट होता है। द काउंटर शाफ्ट मेक्स वन रेवोल्यूशन व्हेन द बॉटम शाफ्ट रोटेट्स फॉर वन रेवोल्यूशन फॉर ए प्लेन टेपेट सेटिंग मैकेनिज्म। तो गाइस मैंने आपको दिखा हुआ है कि हमारा प्लेन का टेपेट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका बॉटम शाफ्ट का एक रेवोल्यूशन लगेगा तो आपका काउंटर शाफ्ट का भी एक रेवोल्यूशन लगेगा। गाइस यहाँ पे देख लीजिए, ये आपकी काउंटर शाफ्ट है, तो जैसे ही आपका बॉटम शाफ्ट का एक रेवोल्यूशन होगा तो आपका जो काउंटर शाफ्ट है उसका भी एक रेवोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे एक रेवोल्यूशन से आपका काम चल जा रहा है, क्योंकि आपने प्लेन के टेपेट लिए हुए हैं, मतलब दो टेपेट यूज किए हैं, तो यहाँ पे आपको स्पीड बराबर रखनी पड़ेगी, रोटेशनल स्पीड काउंटर शाफ्ट और बॉटम शाफ्ट की। टू ट्रेडल लीवर्स आर यूज्ड, द एंटी फ्रिक्शन बाउल्स आर आल्सो माउंटेड ऑन दीज ट्रेडल लीवर्स। तो गाइस देखिए इस सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि हम दो ट्रेडल लीवर का प्रयोग करते हैं। ये आपके ट्रेडल लीवर हैं, एक ये ट्रेडल लीवर है, एक ये ट्रेडल लीवर है, और इन दोनों ट्रेडल लीवर के ऊपर एंटी फ्रिक्शन वाल्व माउंट होते हैं। तो ये आपका एक एंटी फ्रिक्शन वाल्व ये है, और एक स्टेपेट के पीछे है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है पिक्चर में, बट दो एंटी फ्रिक्शन वाल्व होते हैं, एक एक ट्रेडल लीवर पर माउंट किए जाते हैं। और ये जो एंटी फ्रिक्शन वाल्व होते हैं ये अपने पाइवट के ऊपर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ईच टैपेट टचेज टू रेस्पेक्टिव एंटी फ्रिक्शन बाउल, द टैपेट्स आर माउंटेड इन सच ए वे दैट द लिफ्टिंग पोजीशन ऑफ बोथ टैपेट्स इज केप्ट जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो गाइस देखिए ये जो आपके टैपेट होते हैं ये अपने सामने वाले एंटी फ्रिक्शन बाउल से टच होते रहते हैं। तो गाइस देखिए ये वाला टच है आपके ये आगे वाले टैपेट से, और जो पीछे वाला एंटी फ्रिक्शन बाउल है वो सेकंड वाले टैपेट से टच होता रहता है। और ये जो आपके टैपेट हैं तो इनकी लिफ्टिंग पोजीशन कौन सी होती है, ये जो आपकी काउंटर शाफ्ट है तो इधर वाली ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर बॉटम आएगा, क्योंकि बहुत कम शॉर्ट डिस्टेंस है ये, और ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जब ये वाला पोर्शन एंटी फ्रिक्शन बाउल की तरफ आता है तभी आपका ट्रेडल लीवर पुश होता है, मतलब प्रेस होता है। तो ये जो आपकी लिफ्टिंग पोजीशन है दोनों केम की एक दूसरे के अपोजिट होती है। गाइस देखिए इसकी इधर है तो इस वाले की इधर है। द ट्रेडल लीवर्स आर कनेक्टेड टू द हील शाफ्ट्स विद द हेल्प ऑफ जैक बार्स। गाइस जो आपके ट्रेडल लीवर्स होते हैं वो जैक बार्स के थ्रू आपके हील शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर देखिए ये आपका जैक बार है, तो जैक बार ये हो गया यहाँ तक, और इसके अंदर आपका ये जो ट्रेडल लीवर है ये चला जाता है, तो ये कनेक्ट हो जाता है आपके हील शाफ्ट से। द टॉप साइड ऑफ ईच हील शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द रिवर्सिंग रोलर विद द हेल्प ऑफ लेदर स्ट्रैप। अब यहाँ पे देखिए आप जो आपके हील शाफ्ट हैं इनकी जो ऊपर वाली साइड होती है वो लेदर स्ट्रैप के थ्रू आपके रिवर्सिंग रोलर से कनेक्ट होती है। तो गाइस ये आपकी हील शाफ्ट है फ्रंट वाली, तो यहाँ पे देखिए ये लेदर स्ट्रैप लगा हुआ है और ये रिवर्सिंग रोलर से कनेक्ट है, तो ये दो जगह से कनेक्ट होता है, एक यहाँ पे कनेक्ट है एक यहाँ पे कनेक्ट है। इसी तरीके से आपका जो बैक वाला हील शाफ्ट है वो भी आपके रोलर से कनेक्ट है। यहाँ पे गाइस देखिए ये इससे कनेक्ट है और ये इधर से कनेक्ट है। टू लेदर स्ट्रैप्स आर यूज्ड फॉर ईच हील शाफ्ट, एक हील शाफ्ट के लिए दो लेदर के स्ट्रैप प्रयोग किए जाते हैं। द मेथड ऑफ कनेक्शन बिटवीन द हील शाफ्ट एंड रिवर्सिंग रोलर थ्रू लेदर स्ट्रैप्स इज शोन इन द बिलो पिक्चर। तो मैंने आपको दिखा दिया है पिक्चर के माध्यम से कि किस तरीके से आपके जो लेदर स्ट्रैप होते हैं वो आपके रिवर्सिंग रोलर से कनेक्ट होते हैं। तो दो लेदर स्ट्रैप एक हील शाफ्ट के लिए यूज किए जाते हैं। और गाइस ये जो आपके ट्रेडल लीवर्स होते हैं तो अपनी पाइवट के ऊपर, मतलब पाइवटेड होते हैं, तो ये अपनी पाइवट के ऊपर ऊपर नीचे होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी नेगेटिव टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म होता है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। द रोटेटिंग बॉटम शाफ्ट ट्रांसमिट्स मोशन टू द काउंटर शाफ्ट थ्रू स्पर गियरिंग। जो आपकी बॉटम शाफ्ट होती है तो उसमें स्पर गियर लगे होते हैं और वो स्पर गियर के माध्यम से आपके काउंटर शाफ्ट को रोटेटरी मोशन प्रदान करती है। एज द काउंटर शाफ्ट रोटेट्स द टैपेट फास्टेंड ऑन द काउंटर शाफ्ट बिगिन टू रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। तो जैसे ही आपकी काउंटर शाफ्ट घूमना चालू करती है तो काउंटर शाफ्ट के ऊपर टैपेट लगे होते हैं और वो फास्ट होते हैं काउंटर शाफ्ट के ऊपर, तो आपके टैपेट भी रोटेट करना चालू कर देते हैं सेम डायरेक्शन में। द रोटेटिंग
टैपेट प्रेसेस टू द एंटी फ्रिक्शन बाउल, और जो आपके रोटेटिंग टैपेट होते हैं वो एंटी फ्रिक्शन बाउल को प्रेस करते हैं। सिंस द एंटी फ्रिक्शन बाउल गेट्स माउंटेड ऑन द ट्रेडल लीवर सो दैट द ट्रेडल लीवर गोज टू द डाउन पोजिशन। गाइस चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे एंटी फ्रिक्शन बाउल होते हैं वो ट्रेडल लीवर के ऊपर माउंट होते हैं, तो जैसे ही आपका टैपेट एंटी फ्रिक्शन बाउल को प्रेस करता है तो आपका ट्रेडल लीवर नीचे वाली पोजिशन में चला जाता है। सिंस द रियर एंड ऑफ द ट्रेडल लीवर गेट्स कनेक्टेड टू द जैक बार सो दैट द हिल्ट शाफ्ट कनेक्टेड विद दिस ट्रेडल लीवर कम्स इन डाउन पोजिशन एंड द अदर हिल्ट शाफ्ट गोज टू अप पोजिशन बिकॉज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फ्रंट हिल्ट शाफ्ट इम्पार्ट द पार्शियल रोटेटरी मोशन टू द रिवर्सिंग रोलर। गाइस होता क्या है कि जो आपका ट्रेडल लीवर होता है वो जैक बार की सहायता से आपके हिल्ट शाफ्ट के बॉटम पार्ट में कनेक्ट होता है, और जैसे ही आपका ट्रेडल लीवर एंटी फ्रिक्शन बाउल को प्रेस करता है तो आपका जो फ्रेम होता है जिसके अंदर आपका ट्रेडल लीवर कनेक्ट है तो वो वाला फ्रेम डाउन पोजीशन में चला जाता है, और आपका जो दूसरा वाला हिल्ट शाफ्ट होता है वो अप पोजीशन में चला जाता है। उसका कारण ये होता है कि जो डाउनवर्ड जाने वाला शाफ्ट होता है तो उसके वजह से आपके रिवर्सिंग रोलर को पार्शियल रोटेटरी मोमेंट मिलता है, मतलब वो थोड़ा सा घूम जाता है। द पोजिशन ऑफ द टैपेट्स गेट्स चेंज्ड आफ्टर द हाफ रेवोल्यूशन ऑफ द काउंटर शाफ्ट। गाइस जो हमारे टैपेट्स होते हैं तो उनकी पोजिशन काउंटर शाफ्ट के हाफ राउंड के बाद फिर से चेंज होती है। नाउ द अदर टैपेट प्रेसेस द बाउल माउंटेड ऑन द रेस्पेक्टिव ट्रेडल लीवर। तो गाइस अब क्या होता है कि जो दूसरा वाला टैपेट होता है वो अपने के सामने वाले एंटी फ्रिक्शन बाउल को प्रेस करता है, द बैक हिल्ट शाफ्ट गोज टू डाउन पोजिशन। तो अब की बार में जो आपकी पीछे वाली हिल्ट शाफ्ट थी वो डाउन पोजिशन में चली जाती है। द फ्रंट हिल्ट शाफ्ट लिफ्ट्स अप बाय द रिवर्सिंग रोलर विच रिसीव रिवर्स मूवमेंट थ्रू द लेदर स्ट्रैप कनेक्टेड विद द बैक हिल्ट शाफ्ट। तो गाइस जो आपकी बैक हिल्ट शाफ्ट होती है वो जुड़ी होती है रिवर्सिंग रोलर से, तो जैसे ही आपकी बैक हिल्ट शाफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो वो रिवर्सिंग रोलर को घुमाती है, तो उससे क्या होता है कि जो आपका फ्रंट का हिल्ट शाफ्ट होता है वो अप पोजिशन में चला जाता है। इन दिस वे द पोजिशन ऑफ फ्रंट एंड बैक हिल्ट शाफ्ट चेंज रेगुलरली। तो इस तरीके से आपके फ्रंट और बैक हिल्ट शाफ्ट की पोजिशन रेगुलरली चेंज होती रहती है। गाइस अब मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा कि जो हमारा टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म है तो किस तरीके से काम करता है। तो गाइस मैं इसमें आपको नाम बता चुका था, फिर भी एक बार रिपीट कर दूं, ये लेदर स्ट्रैप है, ये आपका हिल्ट शाफ्ट है, एक पीछे लगा एक आगे लगा हुआ है, ये जैक बार्स हैं, ये आपका ट्रेडल लीवर, एक ये है एक ये ट्रेडल लीवर है, ये दो टैपेट लगे हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये एंटी फ्रिक्शन वाल्व लगे हैं, और ये काउंटर शाफ्ट है आपका। तो गाइस यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखाई हुई है, आप देख सकते हैं कि जो आपका फ्रेम है अप एंड डाउन पोजिशन में जाता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, बट अगर एक हिल्ट शाफ्ट आपका ऊपर जाएगा तो दूसरा वाला नीचे जाएगा। और ये जो रिवर्सिंग रोलर होता है कभी तो ये क्लॉकवाइज घूमता है और कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब गाइस मैं इसकी वर्किंग बता देता हूँ। तो ये जो आपकी काउंटर शाफ्ट होती है तो इसके ऊपर एक गियर लगा होता है और आपकी बॉटम शाफ्ट के ऊपर भी एक गियर लगा होता है। तो काउंटर शाफ्ट का गियर और बॉटम शाफ्ट का गियर बिल्कुल बराबर के होते हैं, उनका नंबर ऑफ टीथ जो होता है वो दोनों का समान होता है, क्योंकि आपको सिमिलर रोटेशन चाहिए, जितना आपका बॉटम शाफ्ट घूमे उतना ही आपका काउंटर शाफ्ट को घूमना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम दोनों शाफ्ट के ऊपर जो गियर्स माउंट करते हैं उनके नंबर ऑफ टीथ्स बराबर होते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने प्लेन के टैपेट दिखाए हुए हैं आपको, मतलब प्लेन वीप के, तो प्लेन वीप किस तरीके से चलती है, वन अप वन डाउन। तो गाइस प्लेन वीप को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दो हिल्ट शाफ्ट यूज करने पड़ते हैं। तो गाइस देखिए दो हिल्ट शाफ्ट है यहाँ पे, एक ये है और एक ये है, ये फ्रंट वाला हिल्ट शाफ्ट है, ये बैक वाला हिल्ट शाफ्ट है। अब गाइस यदि आपके दो हिल्ट शाफ्ट हैं तो उनको आपको वन अप वन डाउन चलाना है तो आपको दो टैपेट यूज करने पड़ेंगे, और ये देखिए आपके ये दो टैपेट हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो दोनों टैपेट हैं इस तरीके से आप काउंटर शाफ्ट पे माउंट करेंगे कि जो टैपेट का लिफ्ट करने वाला जो भाग होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो ये लिफ्टिंग वाला भाग होता है जहाँ पे आपकी
जो बॉटम शाफ्ट से और सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस ज्यादा होती है वही लिफ्टिंग वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे इधर से है और यहाँ पे इधर से है, तो दोनों को अपोजिट रखना पड़ता है। गाइस अब देखिए यहाँ पे ये है आपके ट्रेडल लीवर्स, तो एक ट्रेडल लीवर ये है और एक ट्रेडल लीवर ये है, क्योंकि आपने दो टेपर्ड यूज किए तो दो आपको ट्रेडल लीवर चाहिए, और ये दोनों ट्रेडल लीवर आपस में पाइवेटेड होते हैं, मतलब इनको आप फ्रीली अप डाउन कर सकते हैं। तो ये जो आपके ट्रेडल लीवर होते हैं, दोनों ट्रेडल लीवर के ऊपर एक एक एंटी फ्रिक्शन वाल्व माउंट होता है, एक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक इसके पीछे है। तो ये जो आपके वाल्व होते हैं ये अपने पाइवेट के ऊपर आसानी से घूम सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। गाइस ये जो आपके ट्रेडल लीवर होते हैं ये जैक बार की सहायता से आपके हीट शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, ये आपकी जैक बार है और ये पूरी जैक बार होती है, तो ये कहाँ पे कनेक्ट है, आपके ट्रेडल लीवर से। गाइस अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका रोलर है इसको हम रिवर्सिंग रोलर कहते हैं। तो इस रिवर्सिंग रोलर का यूज क्या होता है कि जो आपकी हीट शाफ्ट होती है तो उसको अपनी ओरिजिनल पोजिशन में वापस ले जाना। तो गाइस यहाँ पे देखिए, जब आपकी मशीन चलेगी तो ये जो टैपेट है ये घूमेगा, और कौन से डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, दिखाया हुआ है मैंने। तो जैसे ही ये वाला पोर्शन आएगा और वो प्रेस करेगा आपके एंटी फ्रिक्शन बाउल को, तो एंटी फ्रिक्शन बाउल को जब पुश करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो आपका पीछे वाला हीट शाफ्ट है, तो पीछे वाला हीट शाफ्ट कहाँ को जाएगा, ये डाउन पोजिशन में चला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो आपका पीछे वाला हीट शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है रिवर्सिंग रोलर से, तो ये पीछे वाला हीट शाफ्ट आपके लेदर स्ट्रैप की सहायता से रिवर्सिंग रोलर को किधर को घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब आपका रिवर्सिंग रोलर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपका फ्रंट वाला हीट शाफ्ट है वो ऊपर को लिफ्ट हो जाएगा। अब गाइस जब हाफ राउंड के बाद में क्या होगा, फिर इसकी जो पोजीशन है टैपेट की वो चेंज होगी, तो फिर ये वाला जो आपका टैपेट है वो एक्शन में आएगा, वो अपने ट्रेडल लीवर को प्रेस करेगा, तो क्या होगा कि जो आपका ट्रेडल लीवर है वो नीचे को जाएगा, तो ये वाला दूसरा ट्रेडल लीवर नीचे की तरफ जाएगा, तो इसके साथ में आपका हीट शाफ्ट भी नीचे की तरफ जाएगा। तो जब फ्रंट वाला हीट शाफ्ट नीचे की तरफ जाएगा तो गाइस क्या होगा कि ये जो आपका लेदर स्ट्रैप है तो ये आपके रिवर्सिंग रोलर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो जब आपका रिवर्सिंग रोलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो ये जो लेदर स्ट्रैप हैं जो कि बैक हीट शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं, तो ये आपके रिवर्सिंग रोलर के ऊपर बाउंड हो जाएंगे और आपका बैक वाला हीट शाफ्ट अप चला जाएगा और आपका जो फ्रंट वाला हीट शाफ्ट है वो डाउन चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका जब काउंटर शाफ्ट रोटेट करता रहता है तो क्या होता है, आपके टैपेट की पोजीशन चेंज होती रहती है, कभी पहले नंबर का टैपेट प्रेस करेगा ट्रेडल लीवर को, कभी दूसरे नंबर का टैपेट प्रेस करेगा ट्रेडल लीवर को, तो आपके हीट शाफ्ट अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि हमारा टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, और उसके अंदर भी नेगेटिव टैपेट सेटिंग मैकेनिज्म को मैंने डिस्क्राइब किया है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों में शेयर करें, और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।